विश्व नर्सिंग डे नहीं मनाते हुए आज विश्व नर्सिंग डे के अवसर पर नर्सिंग छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार बड़वानी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में शीघ्र परीक्षा कराने की गई मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नर्सिंग स्टूडेंट ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में सत्र 2020-21 और 2021-22 में नर्सिंग कॉलेज में प्रवेशित स्टूडेंट्स की परीक्षा आज तक नहीं हुई है। नर्सिंग स्टूडेंट्स ने मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन लेकर अध्यापन और प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, परंतु परीक्षा नहीं होने से कोर्स 2 वर्ष बढ़ गया है, जिससे भविष्य में रोजगार के अवसरों में आयु सीमा का सामना करना पड़ेगा। अगर परीक्षा कराने की मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। बड़ी संख्या में नर्सिंग विद्यार्थी रहे उपस्थित। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवंतिका है। कहाँ अध्ययन करते हो? हम नर्सिंग कॉलेज। क्या मांग लेके आए हो कलेक्टर ऑफिस में? सर, हमने 2020 में एडमिशन लिया था मान्यता प्राप्त कॉलेज में, पर अभी तक हमारी एग्जाम नहीं हुई। क्या इस मांग के लिए आए हो? हाँ, हम इसी मांग के लिए आए हैं। हमारी अपील है कि हमारी एग्जाम जल्द से जल्द। अगर एग्जाम नहीं होती तो आप सब क्या करोगे? हम आंदोलन करें। परिचय आपका? मेरा नाम रितेश कुमार, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य। यहाँ क्या आए हो? आज यहाँ पे जो एकत्रित हुए सभी नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट है, विगत 3 वर्षों से इन बच्चों की एग्जाम नहीं हुई है, 20, 21, 22, 23 की। और आज नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में सभी कॉलेज के विद्यार्थी एकत्रित हुए। क्या है मुख्य मांग? क्या आपकी मुख्य मांग? यही है कि जो 1 वर्ष में एग्जाम होना चाहिए वो 3 वर्ष हो गए, अभी तक फर्स्ट ईयर तक की एग्जाम नहीं है बच्चों की। तो बच्चों की मांग यही है कि जल्द से जल्द एग्जाम हो इनकी, नहीं तो ये जो ज्ञापन दे रहे हैं इसके बाद उग्र आंदोलन होगा। बड़वानी में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, थाना सेंधवा शहर पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त के दौरान हथियारों की बड़ी खेप को डिलीवर करने वाले हथियारों के सौदागरों के संगठित गिरोह को वारदात को अंजाम देने से पहले ही दबोचा। 3 कुख्यात आरोपियों को हिरासत में लेकर कुल 15 फायर आर्म्स, दर्जन भर जिंदा कारतूस किए जब्त। सेंधवा SDOP श्री कमल चौहान और थाना प्रभारी सेंधवा शहर श्री राजेश यादव की टीमों ने हथियार निर्माण की वर्कशॉप पर भी दी दबिश और जब्त की हथियार निर्माण उपकरणों की बड़ी खेप। हथियार निर्माण के सरगना दिनेश सिंह बरनाला सिकलीगढ़ निवासी उंडी खोदरी और खरीद फरोख्त के सरगना रिजवान खान फिरदौस और फिरोज मंसूरी दोनों निवासी सेंधवा। सेंधवा पुलिस की कॉम्बिंग गश्त में धराए आरोपियों की बड़ी लूट की घटना करने की साजिश को किया नाकाम। कुल 547,500 की सामग्री बरामद। जैसा आपको सर्वविदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और DGP सर के मार्गदर्शन में प्रदेश स्तर पर प्रभावी पैदल गश्त का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक जिला बल के द्वारा। इसी तारतम्य में बड़वानी पुलिस के द्वारा भी लगातार पैदल गश्त को प्रभावी बनाया गया है और इसको आगे बढ़ाते हुए कल रात्रि में रात को 12 बजे से 5 बजे तक कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त आला अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इसी दौरान कॉम्बिंग गश्त करते हुए सेंधवा की टीम को एक इम्पॉर्टेंट लीड मिला था, जिसमें हमारे पास मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 लोग जो हैं हथियारों की एक बड़ी खेप लेकर सेंधवा शहर की ओर आ रहे हैं, जिसे कंट्रोल रूम को जब अवगत करवाया गया तो हमारे द्वारा 4 से 5 टीमों का गठन SDOP सेंधवा और TI सेंधवा सिटी के नेतृत्व में किया गया था। इनके द्वारा 2 आरोपियों को मौके से कॉम्बिंग गश्त के दौरान पकड़ा गया, जिन्होंने अपना नाम रिजवान खान और फिरदौस मंसूरी बताया है, जो सेंधवा के रहने वाले हैं, और मौके से इनसे अवैध हथियार बरामद हुए। पूछताछ को आगे बढ़ाते हुए सेंधवा पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त के दौरान ही ये कहाँ से लेकर आ रहे थे उसके संबंध में पता लगाया और फर्दर जो है उन ठिकानों पर दबिश दी, जिनमें और अधिक अवैध हथियार बरामद हुए। और न सिर्फ हथियार बरामद हुए बल्कि जिंदा राउंड जो होते हैं वो भी मिले हैं और हथियारों को बनाने की जो उपकरण होते हैं वो भी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। इस पूरे प्रकरण में कुल 4 आरोपी हैं, जिनमें रिजवान और फिरदौस, जिनको सेंधवा ग्राम सिटी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया था। उसके अलावा जब इनसे पूछताछ पर आगे दबिश दी गई तो दिनेश सिंह बरनाला, जो कि सिकलीगढ़ समुदाय का है और उंडी खोदरी का निवासी है जो थाना पलचूद में आता है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी सावन सिंह, जो कि उंडी खोदरी का ही है, वो फरार है, जिसे जल्द से जल्द पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में कुल 15 काफ़ी पेशेवर ढंग से बनाए गए हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं और इसके अलावा जो जैसा कि पिछली बार भी जब्त किया गया था, एक सो कॉल्ड इनका वर्कशॉप टाइप का है जहां पर ये इस प्रकार पेशेवर ढंग से हथियारों का।
आरपीटीवी न्यूज की खबर पाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाए, साथ ही बेल आइकन भी दबाए नोटिफिकेशन के लिए। जय। न्यूनतम दरों पर कुरियर सर्विस संपूर्ण भारत में। हमारा पता अक्षदा कुरियर, MG रोड, साईं राम जींस की गली में बड़वानी।